यह जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। नर्मदा नदी जो मंडला के उत्तर पश्चिम की ओर गुजरती है और मंडला को तीन तरफ से घेरती है। जिले का सबसे उपजाऊ हिस्सा बंजर नदी की घाटी में पड़ता है जो नर्मदा की एक फीडर नदी है। जिले का यहाँ उपजाऊ हिस्सा हवेली कहलाता है। हवेली के दक्षिण भाग का पहाड़ी इलाका घने जंगलों से घिरा है। धान, गेहूं और तेल के बीज प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में पैदा होते हैं। लाख का उत्पादन, लकड़ी की कटाई, पान की खेती, पशुपालन, चटाई का उत्पादन और रस्सियों का उत्पादन लोगों के मुख्य रोजगार है। मंडला का किला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में गोंड राजा द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला है, जिसे मंडला का किला अथवा राजा नरेंद्र शाह का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण गोंड राजा नरेंद्र शाह ने सन 1651 से 1731 के बीच करवाया था। मंडला का किला पवित्र नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम स्थल के पास स्थित है। वहाँ नर्मदा की अथाह जल राशि इस किले को तीन दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करती है और किले के चौथी दिशा में एक गहरी खाई खुदवाई गई थी जिसके दोनों छोर नर्मदा नदी में मिले थे। इस खाई में सदा नर्मदा का जल बहता रहता था। कहा जाता है कि इस खाई में खतरनाक मगरमच्छ रहा करते थे ताकि दुश्मन इस खाई को पार ना कर सके। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को दो अभयारण्यों में विभाजित किया गया है, होलोन और बंजार, क्रमशः 250 और 300 किलोमीटर में फैले हुए। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यहाँ दो जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बारासिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी, रुडियार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा का परिचय कराने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। माता राज राजेश्वरी मंदिर। गोंड राजा निजाम शाह ने सन 1750 से सन 1779 के बीच मंडला के किले में अपनी कुलदेवी माता राजराजेश्वरी का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि गोंड राजा निजाम शाह ने बिलासपुर के निकट रगंदर की पहाड़ियों से अपनी कुलदेवी को लाकर इस मंदिर में स्थापित किया। सन 1832 में मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया था। जब भी राजा युद्ध में जाते थे तब माता राजराजेश्वरी का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। मोती महल। मोती महल जिला मंडला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सन 1651 में राजा हृदय शाह द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम मोती महल रखा गया। यह महल गोंडकालीन निर्माण का वो नमूना है जो मंडला के समृद्धशाली इतिहास का गवाह है। रामनगर गोंड राजाओं की राजधानी थी और नर्मदा नदी के तट पर बसाई गई थी। ये महल अत्यंत आकर्षक है। महल के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तो दक्षिण में घने जंगल है। एक तरफ काला पहाड़ है तो दूसरी तरफ चौगान जैसा आदिवासियों का तीर्थ स्थान मौजूद है। मोती महल को रानी महल भी कहा जाता है, जो आयताकार है, 46 मीटर चौड़ा आंगन है और इसके बीच में सरोवर मोती महल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। काला पहाड़। रामनगर से 4 किलोमीटर दूर अष्ट हल्की काले पत्थरों का पहाड़ है, इसीलिए इसे काला पहाड़ कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ये राजा हृदय शाह की तंत्र साधना के कारण इसी काले पहाड़ से पत्थर उड़ उड़ कर महल वाले स्थानों तक गए थे और 2.5 दिनों में महलों का निर्माण हुआ। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः रामनगर के महलों के निर्माण के लिए ये पत्थर बाहर से मंगवाए गए थे और महल निर्माण हो जाने के बाद जो पत्थर बच गए उन्हें यहीं छोड़ दिया गया और ये पहाड़ के रूप में दिखलाई देते हैं। इन पत्थरों पर आज भी कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। रानी बेगम महल अर्थात बघेलन महल। मोती महल से लगभग 3 किलोमीटर दूर रानी का महल स्थित है। इसे बेगम महल या बघेलन महल भी कहा जाता है। यह महल भी मोती महल और राय भगत की कोठी के समकालीन है। रानी महल राजा हृदय शाह द्वारा चिमनी रानी के लिए बनवाया गया था। राजा हृदय शाह ने मुगल दरबार में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और संगीत में कई प्रतियोगिताएं जीती थी। यही उन्हें मुगल राजकुमारी चिमनी से प्रेम हो गया और मुगल बादशाह की अनुमति से उसे अपने साथ रामनगर ले आए थे। दल बादल महल। यह महल मोती महल और रानी महल के बीच चौगान में स्थित है।
यह महल राजा रदिशा द्वारा अपने सेनापतियों सैनिकों के लिए बनवाया गया था। इस महल का संरक्षण न होने के कारण खंडहर में तब्दील हो गया है। इस महल की छत भी गिर चुकी है और अब कुछ दीवारें ही शेष बची। इस महल के चारों तरफ बड़ी दीवारें थी और महल में कई छोटे बड़े कमरे भी थे। मंडला जिले के सूरजकुंड नामक स्थान में स्थित हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर है। हनुमान जी के इस मंदिर से कई प्राचीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में लोगों का मानना है कि भगवान की इस प्रतिमा को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह मंदिर हनुमान जी का ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां इनकी प्रतिमा दिन में 3 बार रंग बदलती और लोग कहते हैं कि यह मंदिर रामायण काल का है और ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है ये रामायण काल की घटनाओं को ही दर्शाती है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान सूर्य ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या में कोई विघ्न या बाधा ना हो इसलिए हनुमान जी ने यहाँ पहरा दिया था। चमत्कारी गर्म पानी का कुंड। मंडला और जबलपुर मार्ग पर मंडला शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर ग्राम बबेहा के पास चमत्कारी गर्म पानी का कुंड है जिसमें साल भर गर्म पानी रहता है। यहाँ स्थान मनरबदा के समीप और बरगी डैम के बैक वाटर क्षेत्र में आता है। यहाँ स्थान चारों तरफ पानी से घिरा एक छोटा सा मानव निर्मित टापू है और इस टापू पर गर्म पानी का कुंड है जिसमें हर मौसम में पानी गर्म रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। सहस्त्र धारा। मंडला के इलाके में सहस्त्र धारा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह में प्रकृति की एक खास सुंदरता है। यहाँ मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसोल्ड चट्टानों के माध्यम से हजारों गहरी संकीर्ण चैनलों से पानी का प्रवाह होता जाता है जिससे ग्रिड की तरह एक सुंदर पैटर्न बन जाता है। राय भगत की कोठी। यह कोठी मोती महल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। राजा रदिशा द्वारा इस भवन का निर्माण अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया गया था इसीलिए इसे राय भगत की कोठी कहा जाता है। इसे मंत्री महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल मोती महल और विष्णु मंदिर के समकालीन है। महल दक्षिण मुखी है। महल का प्रवेश द्वार संगमरमर के पत्थर द्वारा निर्मित है। प्रवेश द्वार की छत पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इन सब के अलावा पंचमुखी महादेव मंदिर, राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की जन्मस्थली, थनवर डैम, मतियारी डैम, नर्मदा संगम स्थल आदि भी प्रमुख है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक स्थान पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।